हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन में जो है फिंगरप्रिंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ है रियलमी का फ़ोन। आपको ऊपर स्क्रॉल करना, आपको इस तरीके के आइकन दिख जाएंगे। आपको यहाँ सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। आपको जाना है यहाँ पासवर्ड और बायोमेट्रिक्स के ऑप्शन पे। उसके बाद आप इस तरीके का आइकन देख रहे हैं, आपको जाना है ऐड फिंगरप्रिंट पे। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा इसे कंटिन्यू करने के लिए। जैसे कि उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे, उसके बाद आपको यूज़र डिफरेंट पासवर्ड टाइप पे जाना है। यहाँ पे आपको कोई भी लॉक लगा सकते हैं, मैं पैटर्न लगा लेती हूँ। आपको जो भी पैटर्न डालना डाल देंगे। उसके बाद अपने पैटर्न को जो है वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको जो है फिंगरप्रिंट लगाना है तो आपको अपनी फिंगर जो है पहले सेंसर पर लगानी होगी, यानी जहाँ से फिंगरप्रिंट आपका लगेगा। उसके बाद आप जब तक ये पूरा डार्क ग्रीन नहीं हो जाएगा आपको तब तक अपनी फिंगर को लगाते रहना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब दोबारा से अपनी फिंगर लगानी है, ये पूरा ग्रीन हो जाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी चल रहा है ये प्रोग्रेस। उसके बाद दोबारा से करना होगा आपको। उसके बाद आपको दोबारा कंटिन्यू करना है और अब आपको दोबारा से लगानी है अपनी फिंगर, जब तक ये पूरा डार्क ग्रीन ना हो जाए इस तरीके से। उसके बाद आप इस तरीके से कंटिन्यू कर देंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके से फिंगरप्रिंट जो है लग जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ जब आप लॉक करेंगे स्क्रीन को और अनलॉक करेंगे और अपनी फिंगर जब लगाएंगे तो इस तरीके से ऐड हो जाएगी फिंगर। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।